गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और 6 बज रहे हैं तो बच्चे तो सारे सो रहे हैं और हस्बैंड जी दुकान जा चुके हैं, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है इसलिए बच्चे तो अभी सोएंगे ही। और मैं उठने के बाद अपने घर में सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, तो मैं अपने घर में सारे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं बस सामने दुहारी को धो दूँगी पानी से और पोछा लगा लूँगी। सारे काम कर लेने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपने पूजा रूम में और फटाफट से पूजा भी कर रही हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, फटाफट से मैं पूजा कर रही हूँ। ये जो फूल है, फूल भी चढ़ा देती हूँ। तो सुबह 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 पूजा हो जाता है तो घर में अच्छा लगता है, इसलिए पूजा सुबह ही कर लेना चाहिए। तो सारे भगवान जी को भोग लगा दिया है और अब मेरी पूजा हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और ये देखिए, ये है आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। ये आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता। ये है मसूर की दाल, ये देखिए मसूर की दाल है जो छिलके सहित है अभी, तो मैं इसी की सब्जी बनाऊंगी आज। फ्रेंड्स, इधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ क्योंकि सबसे पहले चाय पियेंगे। चाय चढ़ा दी हूँ, इधर सब्जी मैं कुकर में ही बनाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये सब्जी बन जाता है, बहुत ही जल्दी ही बन जाता है। तो कुकर मैंने तेल डाला और जीरे का फ़ौरन डाला और तेज़पत्ता डाला और सूखी लाल मिर्च डाली। उसके बाद सारा चीज़ डाल देने के बाद ये प्याज को मैं काट ली थी, ये प्याज को मैं डाल रही हूँ। प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैं बस थोड़ा ही आधा ही प्याज डालूँगी। प्याज डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं भूंज ले रही हूँ। इसको ज़्यादा लाल करके नहीं भूंजेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, बस अच्छी तरह से थोड़ा भूंज लेंगे। और भूंज जाने के बाद सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूंगी। मसालों में बस नॉर्मल मसाला ही डाल रही हूँ, लहसुन, मिर्चा और धनिया और अदरक का पेस्ट। और ये किचन का मसाला है, ये बस डालूंगी इसमें, ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। इसको बस अच्छी तरह से भूंज लेंगे, लाल करके बस भून लेंगे। इसका मसाला अच्छी तरह से भूना जाता है तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। और इसको जब रात में इसको मैं फूलने के लिए दे दी थी, अब इसको मैं पानी से अच्छी तरह से निकाल ले रही हूँ। सारे दाल को मैं पानी से निकाल दूँगी और इसको सारे को मैं निकाल ली हूँ, बस पानी से अच्छी तरह से इसको निकाल लिए हैं। और निकाल, देखिए ये जो पानी है इसको फेंक करके इसको भी अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। मसालों को बार बार चलाते रहना है, नहीं तो वो जल जाएंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुंजा जाएगा, देखिए अच्छी तरह से ये भुंजा गया है, अब मैं इसको डाल दूंगी। सारे दाल को धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको फिर भूंजेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद बस इसको अच्छी तरह से भूंज देना है। बहुत ही टेस्टी सब्जी इसकी बनती है, आप ट्राई करिएगा एक बार कभी। इसको ढक ढक के मैं भूंज रही हूँ, देख लीजिए अब ये अच्छी तरह से भुंजा चुका है, लाल करके बस भूंज लेना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से भुंजा गया है, हो गया अच्छी तरह से ही भुंजा गया। अब यहाँ गर्म पानी की हुई हूँ, पानी को मैं इसमें डालूंगी। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी अभी। और ये जो गर्म मसाला है, ये गर्म मसाला का मैं पाउडर बनाकर घर पर रखती हूँ। बहुत ही आसान रहता है, ठीक रहता है, जल्दी काम हो भी जाता है। गरम मसाले को मैं डाल दी हूँ और बस इसमें ढक्कन लगा देंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ ये आटे का पूड़ी। बच्चों ने फरमाइश किया कि मम्मी पूड़ी बनाना, वैसे फ़िलहाल अभी सारे बच्चे तो अभी एक स्कूल गई है और बाकी सो रहे हैं, तो फटाफट से इसको बना लेते हैं पूड़ी। थोड़ा सा इसमें तेल लगा देते हैं आटे में और उसके बाद इसको फटाफट से बना लेते हैं पूड़ी। इधर मैं टमाटर पका रही हूँ चटनी के लिए, सलाद के लिए, अच्छा लगता है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी मैं पूड़ी बेल ले रही हूँ। सुबह बहुत ही भागदौड़ हो जाता है, जल्दी जल्दी नहाना, पूजा करना, सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता मेरा बन चुका है। ये देखिए पूड़ी और सब्जी मेरी बन चुकी है। हस्बैंड जी आ चुके हैं, मेरी सासू माँ भी आ गई हैं, अब मैं उन लोग को खाना दे देती हूँ।
सॉरी नाश्ता दे रही हूँ। यह है टमाटर का सलाद, मैं निकाल के बैठे हुए हैं, सभी सभी को भूख लगा हुआ है, फटाफट से मैं सबको नाश्ता परोस देती हूँ। और आ जाइए आप भी टेस्ट।